जी खबर शामिल करते हैं। इस वक्त जो नैब ऑफिस की सूरत हाल इंतहाई कुशीदा है। मुस्लिम लीग के कारकुनों को पुलिस हिरासत में ले रही है। शाकिर, क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है कारकुनों पर? अगर आपके अंदर इतना जुर्रत नहीं है कि आपने मुझे बुलाया और आप पीछे कर दे, बहुत समझ के बुलाना चाहिए। अगर आपके पास जुर्रत नहीं है, अगर आप नहीं है, तो आपको सोच समझ के बुलाना चाहिए। अगर बुला लिया, मुस्लिम लीग नून के निहत्ते कारकुनों पे, आवाम पे इन्होंने आज शेलिंग की, पथराव किया और उसके बाद भाई गाड़ी को गाड़ी की टुकड़ी। और आप सोचे कि अगर आज मेरी गाड़ी के लिए आर्मर गाड़ी ना होती, बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती, तो मुझे कितना बड़ा नुकसान होता। और मैं इस नतीजे से पहुंचती हूँ कि आज घर से जो मुझे बुलाया गया है वो मुझे नुकसान पहुँचता है घर जाने के लिए। लड्डू ने मशवरा दिया कि मैं आज मेल बिफोर रेस्ट करा लूँ कि जो नाम के क्या कर्तव्य थे उनके ऊपर सामने कर दिया। मैंने मेल बिफोर रेस्ट नहीं करा, अपने आप खड़ी मैं यहाँ से नहीं। तो मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं नैब की जानब से कि आप वापस जाएं, मैं यहाँ खड़ी हूँ। आज अगर झूठे इल्जामों में मुझे बुलाया है तो मेरे जवाब सुनो, मैं यहाँ खड़ी हूँ, दरवाजा खोलो और मेरे जवाब सुनो। और अब सवाल किया है तो जवाब सुनने का हौसला रखो। हालांकि सवाल का जवाब वहाँ दिया जाता है जब सवाल करने वाले का कोई किरदार हो, लेकिन मैं फिर भी जवाब देने आई हूँ। आज जवाब दिए बगैर जाऊंगी नहीं, जवाब सुनूंगी। जमुई दौर के अंदर डिक्टेटरशिप वाला रवैया तैयार किया गया है। ये कुछ डिक्टेटर इस वक्त हम नैब के ऑफिस के बाहर ठोके में मौजूद है। जैसा कि आपको मालूम है कि मरियम नवाज को नैब ने आज तलब कर रखा है और इस वक्त ऑफिस के बाहर के बारे में या जमीन के बारे में के साथ कदम उठाएंगे और कुछ भी नहीं।
मरियम नवाज को वाहिद लीडर है जो लोगों को अपना मुस्तकबिल नजर आता है और मुस्लिम लीग नून जो है
तमाम मसाइल का वाहिद हल है। आज इमरान खान के मुंह पर एक भरपूर तमाचा है जो लाहौर के लोगों ने मारा है कि लाहौर जो है जिस वक्त कोई मूवमेंट लेता है जिसका मतलब है कि पाकिस्तान ने मूवमेंट ली, और आज इतनी रुकावटों के बावजूद हमारी खवातीन को 20 कदमों में रोका गया है, उसके बावजूद आज ये मैसेज दिया गया है कि हर औरत जो है वो आज मरियम नवाज है, और कितनी मरियम नवाज को आप पकड़ेंगे, हर घर से मरियम नवाज निकले, आप मरियम नवाज को रोक नहीं सकते। मरियम नवाज खवातीन की नहीं, मर्दों की नहीं, बच्चों की नहीं, बूढ़ों की नहीं, सबकी आवाज़ है। मरियम नवाज जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद। गिरफ्तारी होती है तो ये सियासी लोगों का माथे का झूमर होता है, हर एक गिरफ्तारी के बाद हवान की तरफ से मुआवजा मिलता हुआ होता है, और वो आज आपने देख लिया है कि किस तरह पूरे पंजाब के जो लोग हैं स्पेशली लाहौर के लोगों की आपने आज मोहब्बत देखी है मैडम मरियम की तरफ से। और आपको मैं बताऊं कि हमें किसी ने नहीं कहा कि आपने आना है, हम सब लोग और ये जितने लोग हैं ये अपनी मैडम के साथ मोहब्बत की वजह से निकले हैं, मियाँ नवाज शरीफ के साथ मोहब्बत के लिए निकले हैं, शहबाज शरीफ साहब के लिए मोहब्बत से निकले हैं, हमजा साहब की मोहब्बत से निकले हैं, और ये अभी इतनी रुकावटें की अगर हमने रोड स्टेट कर देते तो आज आप देखते कि आप और क्या तूफान लग रहा था, लेकिन ये जो हज़ारों लाखों का वहाँ है ये क्लियर मैसेज है कि तख्त लाहौर को ऐसे ही तख्त लाहौर नहीं कहा जाता, लाहौर जी। इनका ये कहना था कि लाहौर जब कोई मूवमेंट मिलता है तो फिर पूरे मुल्क में जो है मूवमेंट जो है वो चेंज हो जाती है, तो इसके साथ ही जो है वो जो और नई अपडेट होगी वो भी आप अपने आप से शेयर करेंगे। इस वक्त तक हम जाते थे मलक शाह के रेट क्रिएट जी नादरी, इस वक्त हम नैब के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मरियम नवाज को आज जो है वो नैब ने तलब किया था। इस वक्त लाहौर से MPA है मोहतरमा रुखसाना को साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो हम पूछेंगे उनसे कि ये जो नैब आए रोज मुस्लिम लीग भूमि लीग क्या को तलब करता है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जैसा कि आप सब गठजोड़ ऐसे ही चल रहा है, इसका मुस्लिम लीग न्यूज जो है वो इनके निशाने पर है, इसके अलावा कोई नहीं। आप अपना इनको कोई कुछ भी नहीं नजर आता, तो शाहबाद में इतना शोर करता था यक्ष नहीं आता, अगर ये इलेक्ट हो गया है उनका मुझे एहसास होता कि अब आपके साथ क्या करते हैं। उस वक्त ये बिल चला रहा था, मीटर चला रहा था, मोमबत्तियाँ चला रहा था, गवर्नमेंट को कह रहा था ये करप्शन कर रहे हैं, ये चोर है, इससे बड़ा कुछ और होता है। गवर्नमेंट मुलाजम होने बनने शुरू हो गया, गरीब जीवा मर रहा है, सैलरी बढ़ाई नहीं हुई, जो गरीब है उनको बेरोजगार कर दिया, जिसने घर का कहा था वो घर मुझे छीन लिए गए, जितनी नौकरियों में लाभ किया जितनी नौकरी छीन ली, हमें नहीं समझ आ रही कि ये क्या कर रहे हैं। सिर्फ इतवार लोगों की तवज्जो बचाने के लिए कभी हम एम पी को बुला लेते हैं, कभी मुल्ला साहब को जेल भेज के चल रहा है, नवाज शरीफ साहब को बुला लेते हैं, कभी मिया नवाज शरीफ साहब को, तो जो आज जो आज नैब ने तलब किया है मरियम नवाज को वो किस केस के हवाले से? देखिए जी, इन्हें केस की जरूरत नहीं है, कभी कोई राशि निकाल लेते हैं, कभी कुछ निकाल लेते हैं, बात ही होती है, पहले बंदा सूट पेश करता है फिर बंदा पकड़ता है कि भाई आपका इतने जुर्म है। इधर ये हालात है कि पहले पकड़ते हैं फिर ये बताते हैं कि भाई हम ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्यों एक साल से ऊपर ऐसा हो गया, हमजा साहब ने उन्होंने क्या मरियम दी थी पहले जेल में, आप मियाँ नवाज शरीफ जेल में रहते हैं, कभी बीमार इस तरह मरद पर दी थी, इन लोगों ने उनके साथ क्या किया? अल्लाह तआला ने जनाब पर बहुत सताव फरमाए, ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये इंतकामी सियासत इसलिए कर रहे हैं कि लोगों की तवज्जो हटाए, और ये हमसे बार बार यही इंतकाम लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जी, अब तो आवाम लोगों को डिमांड कर रही है कि दिग्गज लोग कब निकलोगे, आवाम की डिमांड है, लेकिन इनको हम सियासी शहीद नहीं बनने देंगे, ये कहते हैं कि हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, तो ये करके जो दिखा रहे हैं आप सबको पता है, आवाम को झंडा मार रहे हैं, अब तो ये नारा लगाने वाले हैं कि कफन और कफन फ्री मिलेगा, लेकिन दे ये वो भी नहीं पाएंगे, कफन और कबर का नारा अभी ये लगाएंगे लेकिन दे ये वो भी नहीं पाएंगे, इनको निकलने रखने नाहल लोग हैं, क्रिकेट के ग्राउंड में खेल लेना और आवाम की खिदमत करने में बहुत खर्च, अब आप देख लें कि महंगाई कहाँ से खड़ा है। इनका यही कहना है कि क्रिकेट के ग्राउंड में खेल लेना और सियासत करना या वहाँ की फैसला और हुकूमत के लिए काम उठाना ये इसमें बहुत डिफरेंट फर्क है, और इनका यही कहना है कि आई थी जो नैब और बुनियादी गठजोड़ है इसकी वजह से जो है वो तंग किया जाता है। भरत मुस्तफा शाह नारेबाजी कर रहे हैं।
और इस वक्त हमारे साथ यूथ विंग के प्रेसिडेंट में हाफिज शबीर साहब मौजूद हैं। मैं उनका जो बयान है वो आपसे शेयर करूंगा। जी हाफिज साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जब इनके ऊपर इनको लगता है कि दो चार महीने में हमने संघर्ष किया है, उसके बाद ये नैब की नैब जल्दी थोड़ा तरफ करना शुरू कर देते हैं। इंशाल्लाह यूट्यूब लाहौर वीडियो जो है वो नैब में बुला के घर जाएंगे, तो ये नौजवान जो है ये मरियम नवाज की क़यादत में किसी भी जगह पे ना डरेंगे ना झुकेंगे, ये इंशाल्लाह इनका मुकाबला करेंगे। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए ये उनसे सबक सीखे, साकिब निसार से सबक सीखे, ये डिक्टेटर मुशर्रफ से सबक सीखे। ये आज कहाँ जाके बैठे हैं, ये आज इंशाल्लाह इसी तरह ये जो अभी मौजूदा हमारे ऊपर हुक्मरान जो मुसल्लत किए गए हैं, ये मुशर्रफ का हुआ है, साकिब निसार का हुआ है। इंशाल्लाह एक नूर जो है ये खलक के लिए पैदा हुई है, ये कर रही है। इंशाल्लाह ये रहेगी, इनकी जो रुकावटें हैं इंशाल्लाह हम दूर करेंगे। तो मरियम नवाज जो है लीडर है, आप ये देखें, जितने ये देखें मुझे नारे लगाता हुआ समंदर जो आ गया, ये इसकी निशानी है। ये बता रहे हैं कि आप लोग समझ जाए, बाज आ जाए, इसे कंडे ना इस्तेमाल करें, ये ना हो कि कल को आपको इस तरह ये इसका सामना करें। खवातीन की जो तादाद है बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, और जो अपने कायदीन के हक में नारे लगा रहे हैं और हुकूमत को भी आड़े हाथों लेके शदीद किस्म की हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं। मलिक शाकर 88 न्यूज़ लाहौर।